हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवाशीष और मैंने ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को आपको गूगल न्यूज में कैसे अप्रूव करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं कोई प्रोफेशनल गूगल न्यूज एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये वीडियो मैंने मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाया है। अब तक मैंने 7 से 8 गूगल न्यूज में साइट्स अप्रूव कराए हैं और वही डेटा पूरा एनालाइज करके मैंने ये वीडियो में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वाई गूगल न्यूज, गूगल न्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स है आपकी अगर साइट गूगल न्यूज में अप्रूव होती है तो, और इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, एडिशनल एडवांटेज क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। तो अगर आपकी साइट गूगल न्यूज में अप्रूव है तो आप देखोगे कि आपकी ऑथोरिटी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके आर्टिकल सर्च इंजन में रैंक होना स्टार्ट हो गया, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इम्प्रूव होगा, आपके बैकलिंक्स भी इम्प्रूव होंगे सजेशंस के थ्रू, और DAPA डेफिनेटली आपका इम्प्रूव होगा। हमने काफी सारे वेबसाइट देखे स्टार्ट करते वक्त, गूगल न्यूज में जब नहीं थे उनका DA 10 था स्टार्टिंग में और PA उनका 12 वगैरह था। विद इन 3 to 4 months जैसे गूगल न्यूज में अप्रूव हुआ है उनका DA ऑलमोस्ट 25 हो गया एंड PA मोर देन 35 हुआ है। अभी साइट का जो एज है वो 1 साल से भी कम है और उसका PA 35 हुआ है। मोर रेवेन्यू, ये आपको काफी हेल्प करेगा गूगल न्यूज। जैसे हमें पता है कि गूगल एडसेंस का जो एल्गोरिदम है वो कीवर्ड, आप यानी कौन से डोमेन का कीवर्ड यूज कर रहे हो, जैसे फाइनेंस है या हेल्थ केयर है तो आपको CPC ज्यादा मिलेगा। सेकंड, आपका ट्रैफिक कौन से लोकेशन से आ रहा है वो भी मैटर करता है। सेम, जब आपको सोर्स गूगल न्यूज रहेगा, आपका ट्रैफिक गूगल न्यूज से आएगा तो आपके एड स्पेस CPC आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये एडवांटेजेस है गूगल न्यूज अप्रूव होने के। तो स्टेप 1 हमने देख लिया, अभी हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 में जो है हमको ऐड ऑथर्स, अकॉर्डिंग टू गूगल न्यूज, गूगल न्यूज उसी साइट को ऑथराइज करता है जो जहाँ पे मल्टीपल ऑथर्स एडिटर्स हो। सो आपको आपके साइट में मिनिमम 5 ऑथर्स ऐड करने पड़ेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो वीडियो है ये काफी सारे इंडिविजुअल ब्लॉगर या फ्रीलांसर ब्लॉगर देख रहे अगर होंगे तो उनके पास मल्टीपल ऑथर्स नहीं है, वो मल्टीपल राइटर्स अपॉइंट नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको मिनिमम 5 ऑथर्स आपको यहाँ ऐड करना ही होगा। आप चाहे तो आपके घर वालों का नाम यूज करके आप, या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स फ्रेंड्स का नाम से आप ऑथर्स क्रिएट कीजिए, उनका शॉर्ट बायो डाले, उनका इमेज, सोशल मीडिया लिंक्स आप वहां पे ऐड करें, और मेक श्योर आप सुडो नेम कुछ भी यूज ना करें, फेक नेम ना यूज करें, जैसे एडमिन हो गया या XYZ हो गया या साइट एडमिन हो गया या PR आर्टिकल हो गया, ऐसे कोई भी सुडो नेम यूज ना करें, आप रियल नेम ही यूज करें। इमेज और शॉर्ट बायो, आप शॉर्ट बायो में जो भी डिस्क्रिप्शन डालोगे वो आपके साइट से रिलेवेंट होना चाहिए, और जो इमेज आप यूज करोगे तो आप ट्राई करें कि आपका जो फेसबुक का या इंस्टाग्राम का प्रोफाइल इमेज हो वही आप साइट में सेट करें ताकि वो ऑथेंटिसिटी उसका दिखे। और फेसबुक लिंक्स भी आप करेक्ट लिंक ही डालें, बिकॉज जब आप इस पे क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो गए तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे नेम हो XYZ और फेसबुक पे हो ABCD, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो आप मेक श्योर करें कि जो भी आप नेम और इमेज यूज कर रहे हैं वो आपकी किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रॉपर मैच हो। ओके, जैसे हमने एग्जांपल में दिया है, नेम, इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट बायो है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से। तो एटलीस्ट आपको ये रखना होगा जब तक आपकी गूगल न्यूज में साइट अप्रूव नहीं हो जाती, और अप्रूव होने के बाद 2-3 महीने बाद आप ये रिमूव कर सकते हैं। ओके, बट इनिशियली ये आपको रखना मैंडेटरी होगा जब तक आपकी साइट अप्रूव नहीं हो जाती। स्टेप 3, क्रिएट अबाउट अस एंड ऑथर पेज। सो आपको आपके साइट पे एक अबाउट अस पेज क्रिएट करना होगा जहां पे आप आपके साइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपके साइट के USPs क्या है, आप किस टाइप के आर्टिकल्स डालते हैं वो आपको वहां मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है आपका ऑथर्स पेज। ऑथर्स पेज में आप, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आपको 5 ऑथर्स ऐड करने हैं, तो उन सारे ऑथर्स का लिए एक पेज होना चाहिए जहाँ पे आपके जितने भी आपने ऑथर्स ऐड किए वो वहाँ पे लिस्ट डाउन हो विद ऑल देयर डिटेल्स, फोटोज, टाइटल, बायोग्राफी एंड सोशल मीडिया लिंक्स। स्टेप 4,
क्रिएट कॉन्टैक्ट अस डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपको ध्यान रखना है कि आप एक डिटेल एड्रेस प्रोवाइड करें, आपके ऑफिस का, अगर ऑफिस नहीं है तो घर का या किसी रिलेटिव का आपका एड्रेस हो, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर मेंशन करना ना भूले, ईमेल आईडी जो आप मेंशन करोगे वो ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए, लाइक सपोर्ट इन्फो एट द रेट xyz.com, इन्फो एट द रेट xyz.com, एडिटोरियल एट द रेट xyz.com, इस टाइप की आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपको जीमेल याहू वगैरह की ईमेल आईडी यहाँ पे ना दे, ऑफिस टाइम आपको मेंशन करना है। अगर आप ऑनलाइन ही वर्क करते हैं और आप 24/7 अवेलेबल है तो आप वैसा मेंशन कीजिए। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म इस ये आपका मैंडेटरी नहीं है, बट अगर है तो काफी बेटर होगा। नेक्स्ट आपका है डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पेज। सो साइट मस्ट हैव दिस टू पेजेस विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। आप किसी के कैशेस, कुकीज या कोई आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके टर्म्स एंड कंडीशंस इन पेजेस में होने चाहिए। ओके, और आप ये जो लिंक है प्रोमिनेंटली दिखे ऐसे प्लेस पे हो, या तो टॉप मेन्यू में होना चाहिए या तो फुटर मेन्यू में हो, बट ये आपके साइट पे कंपलसरी होना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल आपको दिखाया है, हमने ये एक साइट में फुटर में यूज किया जहाँ पे हमने अबाउट अस, कुकीज पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसीज, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे हमने लिंक्स वहाँ पे दिए है यूजर के लिए। नेक्स्ट है आपका सर्च ऑप्शन। तो आपके साइट में सर्च ऑप्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे यूजर को बहुत क्लियरली विजिबल हो। तो आपने अगर देखा होगा गूगल का पॉलिसी है वो एंड यूजर के लिए, जो भी यूजर फ्रेंडली साइट से उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। कोई अगर यूजर आपके साइट पे आता है तो उसको परेशानी ना हो, अगर उनको कुछ सर्च करना है तो बहुत इजीली उनको सर्च ऑप्शन मिलना चाहिए। या तो आप मेन मेन्यू के मेन्यू बार में आप ये सर्च आइकॉन, सर्च सेक्शन ऐड कीजिए, या तो राइट साइड विडगेट में सबसे टॉप पे आप आपका सर्च सेक्शन ऐड कर सकते हैं, बट आपको ये सर्च सेक्शन कंपलसरीली ऐड करना है। नेक्स्ट आपका है पब्लिशर इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी। सो आपने देखा होगा मैंने मेरे फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि आपको आपको 5 ऑथर्स ऐड करने हैं, राइट? सो ये 5 ऑथर्स क्यों चाहिए और उनकी इंफॉर्मेशन क्यों रिक्वायर थी, यहाँ पे आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड में। आप जब भी कोई न्यूज आर्टिकल पब्लिश करोगे तो मेक श्योर उस आर्टिकल के टाइटल के नीचे, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या राइट कॉर्नर टॉप में, कहीं पे भी इस प्लेस पे ऑथर का नेम, उनके सोशल आइकॉन्स और वो पर्टिकुलर न्यूज कब पब्लिश हुई है उसका डेट और टाइम अगर आप ऐड कर सकते हो तो और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बट ये हमको दिखाना कंपलसरी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिलो टाइटल ऑथर नेम, ऑथर का सोशल आइकॉन्स और वो आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है उसका डेट एंड टाइम। तो आप ये चाहिए तो लेफ्ट साइड में दिखाइए या राइट साइड में दिखाए, बट ये होना जरूरी है। ये आपका बिलो टाइटल था। सेम आप एट द एंड ऑफ द आर्टिकल बिलो कमेंट सेक्शन या अबाउ कमेंट सेक्शन जहाँ पे आपका आर्टिकल एंड होता है वहां पे अगेन आपको ऑथर का इमेज, ऑथर का नेम, शॉर्ट बायो और उनके सोशल आइकॉन्स दिखाना है। तो ये रीजन था जहां पे हमने आपको बोला था कि ऑथर्स के प्रॉपर डिटेल्स ऐड करें और वो डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। मस्ट हैव प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। सो आपको अगर आइडिया होगा तो गूगल के अकॉर्डिंग टू न्यू एल्गोरिदम आपकी साइट AMP कंपैटिबल होनी चाहिए। अगेन AMP कंपैटिबल भी गूगल ने इसलिए सजेस्ट किया है कि आपकी स्लो स्पीड, अगर आपका इंटरनेट का स्लो स्पीड है तो गूगल उसको लोड कर सके साइट को, एंड यूजर या रीडर्स को, रीडर को कोई उसमें परेशानी ना हो। तो अगर आप देख रहे हो पूरे वीडियो में हमने जब भी बात की है वो सारे एंड यूजर सेंट्रिक चेंजेस है, जहाँ पे गूगल की पॉलिसी जो है जो ये बताती है कि आपकी साइट हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर को नेविगेशन के लिए इजी होना चाहिए, यूजर को आपकी साइट देख के ट्रस्ट होना चाहिए कि ये सच में रियल ऑथर ने लिखा है या नहीं लिखा है। इसलिए सारे ये चेंजेस अगर आपने देखे होगे तो ये सब रीडर प्रोस्पेक्टिव है और रीडर सेंट्रिक है हम बोल सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है कि अभी मार्केट में फिलहाल ये AMP प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर जो ऑथर है उनका AMP प्लगइन काफी डिमांड में है और ये फ्री है। सो आप ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं।
इंस्टॉल होने के बाद आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आपकी साइट एएमपी कंपैटिबल है या नहीं है। सो आप ये कैसे चेक करेंगे? सो आपको विजिट करना होगा https://validator.ampproject.org। यहाँ पे आप आपके होम पेज का या कोई भी एक न्यूज आर्टिकल का यूआरएल यहाँ पे आप डालेंगे, जहाँ पे हमने एक्स वाई जेड लिखा है यहाँ पे आप डालिए, वो फॉर्मेट में एएमपी सिलेक्ट करना है और वैलिडेट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका एएमपी वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर पास हो जाएगा तो पास, अगर फेल हुआ तो यू हैव टू फिक्स इश्यूज। ओके, यहाँ पे इश्यूज भी पता चलेंगे अगर कुछ इश्यूज है उसमें तो। नेक्स्ट है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी एंड एएमपी। सो एएमपी के लिए हम सेपरेट प्लगइन ऐड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एएमपी की सेटिंग्स नहीं किया तो भी चलेगा, बट स्कीमा आपको सेटिंग करना है, जहाँ पे आपको अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस के पेज लिंक करना है। आपका स्कीमा जो है होम पेज का होना चाहिए, साइट लिंक सर्च बॉक्स होना चाहिए और ब्रेड क्रम्स आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे आपको मेन्यू के नेविगेशन बताना है कि आप कौन सा मेन्यू नेविगेट कर रहे हो। यहाँ पे नॉलेज ग्राफ में और भी काफी सारे डिटेल्स है अबाउट योर साइट एंड ऑल, वो सब आपको फिल करना है। फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि ये प्लगइन डालने के बाद में भी आपका न्यूज रिलेटेड स्ट्रक्चर डेटा ना हो, तो आपको एक डेवलपर अपॉइंट करके न्यूज का स्ट्रक्चर डेटा आपको क्रिएट करना होगा आपके साइट में। हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर डेटा कैसा होगा और आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो कि आपका न्यूज स्ट्रक्चर डेटा हो या ना है या नहीं है। तो ये यूआरएल है जहां से आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर डेटा वैलिड है या नहीं है। सो आपको यहाँ पे होम पेज का यूआरएल नहीं डालना है, आपको यहाँ पे डालना है आपके किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल का यूआरएल। जब आप आर्टिकल का यूआरएल ऐड करोगे और नेक्स्ट करोगे तो वो आपकी साइट को स्कैन करेगा और बताएगा कि आपकी साइट न्यूज आर्टिकल का स्ट्रक्चर डेटा सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या उसमें उसका कोड है या नहीं है। समटाइम्स डिपेंड्स ऑन थीम, अगर थीम में इनबिल्ट फीचर रहा जो न्यू स्ट्रक्चर डेटा क्रिएट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, अदरवाइज आपको डेवलपर अपॉइंट करके ये डेवलपर से न्यूज आर्टिकल का स्ट्रक्चर डेटा सेट कराना होगा। ओके, अब ये न्यूज आर्टिकल का स्ट्रक्चर डेटा कैसा दिखता है, या आप कोई भी न्यूज अपलोड साइट का अगर आप यूआरएल हिट करोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि वो स्ट्रक्चर डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। ओके, अगर फिर भी आपको ये इश्यू आता है कि ये कैसे बनाया जाए या हमको डेवलपर अपॉइंट नहीं करना है, कोई और अल्टरनेट वे है, तो हाँ अल्टरनेट वे है। कुछ ऑलरेडी थीम्स है जो न्यू स्ट्रक्चर डेटा जनरेट करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन से थीम्स यूज करने हैं, कौन से प्लगइन यूज करने हैं, आपका पब्लिकेशन ऐप में सबमिशन के वक्त क्या चीजों पे ध्यान देना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है योस्ट एसईओ एंड योस्ट एसईओ न्यूज प्लगइन। ये दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। तो योस्ट एसईओ जो है ये आपको ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। योस्ट एसईओ न्यूज जो है ये आपका न्यूज स्पेसिफिक साइट मैप डॉट एक्सएमएल जनरेट करेगा विद प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा। ओके, अगर आपको पेड प्लगइन नहीं यूज करनी है तो आप फ्री प्लगइन भी ट्राई कर सकते हैं। फ्री प्लगइन का नाम है एक्सएमएल साइट मैप एंड गूगल न्यूज। ओके, आप ये इंस्टॉल करोगे तो ये भी दो अलग साइट मैप जनरेट करेगा, एक नॉर्मल एक्सएमएल साइट मैप जो कि हमको वेब मास्टर में सबमिट करना है, और गूगल न्यूज साइट मैप अलग से जनरेट करेगा, वो भी हमें वेब मास्टर में सबमिट करना ही होगा। बट ये दो अलग अलग साइट मैप है, जो गूगल न्यूज है वो न्यूज साइट मैप रीड करता है, ना कि आपका रेगुलर साइट मैप। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम साइट को आप एडिट करोगे या आप ये प्लगइन से इंस्टॉल करोगे तो दोनों साइट मैप जनरेट हुए या नहीं हुए ये आपको क्रॉस चेक करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया था हमारे साइट के लिए कि दो साइट मैप बन रहे या नहीं बन रहे, तो ये जो फर्स्ट साइट मैप है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ये साइट मैप गूगल को सारे यूआरएल देगा जो हम चाहते हैं गूगल का स्पाइडर उसे रीड करे और इंडेक्स करे, और उसकी बेस्ड ऑन दैट उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करे, क्रॉलिंग प्रायोरिटीज डिसाइड करे। तो ये आप भी वैलिडेट कर सकते हो, आपका domain.com/ आपका जो भी साइट मैप का यूआरएल, अब जरूरी नहीं कि आपका भी साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल ही बने। हर प्लगइन अलग अलग यूआरएल जनरेट करता है, अलग पैटर्न होता है। हमने जो प्लगइन यूज किया है उसका जो पैटर्न है वो साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल है, आपके प्लगइन का मे भी कोई और हो सकता है। ओके, हमने जैसे आप यहाँ देख सकते हो योस्ट का एसईओ प्लगइन यूज किया था जिसने एक्सएमएल साइट मैप जनरेट किया है। ये है आपका रेगुलर साइट मैप जहाँ पे सारे आपके आर्टिकल्स का एक साइट मैप जनरेट होगा। नेक्स्ट है न्यूज साइट मैप।
सो आप यहाँ देख सकते हैं, सो domain.com/news-sitemap.xml, ये जो है हमारा, जैसे मैंने दूसरा प्लगइन बताया था गूगल न्यूज SEO मॉड्यूल जो हमने ये उसका परचेस किया था, ये उसके थ्रू जनरेट हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वो ही आर्टिकल्स होंगे जो कि प्योरली न्यूज आर्टिकल होंगे। यहाँ पे हम बाकी आर्टिकल्स नहीं करेंगे, हम जब न्यूज प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे वो पूछता है कि आपको कौन कौन से कैटेगरीज गूगल न्यूज में आपको इंडेक्स करने हैं, कौन कौन से कैटेगरीज के आर्टिकल। तो अगर आप वो सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर कैटेगरी के आर्टिकल साइट मैप में, न्यूज साइट मैप में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है, आप जब कोई आर्टिकल लिख रहे हो या न्यूज पब्लिश कर रहे हो तो आपको कौन से चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज मिस ना करें और रिग्रेसली फॉलो करें उसको। फर्स्ट आपका है आर्टिकल मस्ट बी न्यूज आर्टिकल। आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो जो आप चाहते हो गूगल न्यूज में इंडेक्स हो या गूगल न्यूज में साइट अप्रूव हो, तो आपके साइट में वो न्यूज आर्टिकल ही होना चाहिए। कोई भी स्पेशल आर्टिकल नहीं हो, जैसे top 10 actors हो गया या top 10 luxury cars या top 10, ऐसा बहुत सारे ऐसे स्पेशल आर्टिकल्स बनते हैं, राइट। सो ऐसे आर्टिकल ना हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो कि आप गूगल न्यूज में सबमिट करना चाहते हैं। टाइटल आपका यूनिक और कैची होना चाहिए, मिनिमम 250 to 300 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, और ट्राई टू डिवाइड आर्टिकल इन मिनिमम 2 to 3 पैराग्राफ। 2 से 3 पैराग्राफ भी रहा तो चलेगा, बट ट्राई करें कि ये 3 to 4 पैराग्राफ में आप डिवाइड कर सके उसे। और हमने देखा है आप काफी बार फ्रीलांसर ब्लॉगर जो है वो सोर्स देने में काफी हिचकिचाते हैं, सो ऐसा ना करें, बिकॉज सोर्स देने से भी आपकी ऑथोरिटी इंप्रूव होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे, सो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला, कंसिडर कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला है, और आपको वो न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया से पता चले और आप उसको रीराइट करके अपने वर्ड्स में पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आपको वो आर्टिकल में कहीं लिखना होगा एज पर TOI रिपोर्ट या एज पर ANI रिपोर्ट इट इज कंफर्म दैट सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया एंड ऑल, ये आप वहां पे लिख सकते हैं। इससे आपके साइट को कोई हार्म नहीं, इनफैक्ट ये आपके साइट को और हेल्प करेगा आपकी ऑथोरिटी इंक्रीज करने में। सो ये आप प्लीज फॉलो करें अगर आप ऐसे कोई आर्टिकल या न्यूज कवर कर रहे हो जो आप किसी सोर्स पे डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट, इमेजेस। जब भी आप साइट में आपके न्यूज में इमेज आप ऐड कर रहे हो, ध्यान रखें कि आप हॉरिजेंटल इमेज यूज करें और इमेज लाइट वेट हो, बहुत ज्यादा हेवी इमेज ना हो ताकि लोड होने में यूजर को टाइम लगे। अगर आप ये देखोगे एक रेफरेंस इमेज, ये 60 KB की है, आई गेस ये भी थोड़ा सा हेवी है, इससे भी अगर लाइट इमेज यूज कर सके तो ट्राई करें कि आप थोड़ा लाइट वेट इमेज यूज करें। और जैसे हमको पता है कि वर्डप्रेस में फीचर है मीडिया मैनेजमेंट का, तो आप वहां जाके प्रॉपर अल्ट टैग सेट करें इमेज के लिए, टाइटल सेट करें, कैप्शन सेट करें, डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है गूगल को इमेजेस समझ में नहीं आती, गूगल को इमेजेस जो है वो अल्ट टैग से रीड करता है कि ये इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप पेंसिल का इमेज अपलोड करके अगर पेन डालोगे अल्ट टैग में, तो गूगल को लगेगा वो पेन का इमेज है। ओके, तो ध्यान रखें कि आप रेलेवेंट अल्ट टैग दे, रेलेवेंट टाइटल दे आपकी इमेज को जो भी आप न्यूज में यूज कर रहे हो उसे। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं ये अल्ट टैग हमने ऐड किया है, ये 60 KB का साइज है, और इम्पोर्टेंट ये हमने हॉरिजॉन्टल इमेज यूज किया है। वर्टिकल इमेज अवॉइड करें, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने बहुत बार देखा होगा थंबनेल आइकॉन में वो फेस कट जाता है, या थोड़ा सा हेडर से जो टॉप का जो इमेज है वो क्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली थंबनेल सेट होते वक्त। सो वो सब इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, हम सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने और कौन से प्लगइन्स आपको यूज करना है, कौन सा थीम यूज कर सकते हैं। 3-4 ऐसे थीम्स है जो कि आप यूज करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर डेटा रेडी होके आएगा न्यूज आर्टिकल का। आपको काफी सारे चेंजेस आपको खुद से नहीं करने होंगे, बहुत सारे थीम्स ऐसे जिन्होंने ये सारे चेंजेस जो हमने आपको बताया वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए उनके थीम में। जैसे ऑथर्स का हो गया, वो टाइटल के नीचे डेट टाइम का है, बायोग्राफी का है, ऑथर का, बिलो आर्टिकल, ऐसे काफी सारे जो हमने आपको पॉइंटर्स बताए वो उन्होंने उनके थीम में इनकॉर्पोरेट किया है। सो आपकी लाइफ
अगर आप वो रेडीमेड प्लगइन बाय करके आप यूज करते हैं तो आपका काफी सिंपल हो जाएगा, गूगल न्यूज का जो जर्नी है आपका वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको पब्लिशर डैशबोर्ड में आपकी साइट कैसे सबमिट करनी है और क्या चीजों का ध्यान रखना है जब आप साइट को सबमिट कर रहे हैं। प्लीज घाई ना करें, सिर्फ इतना वीडियो देख के आप पब्लिशर डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आपकी साइट सबमिट ना करें। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे अब हमारे अगले वीडियो में, आप देखना ना भूले। और आई होप कि आपकी साइट भी जल्दी गूगल न्यूज में अप्रूव हो जाए। ये जो मैंने वीडियो बनाया ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, सो बहुत चांसेस है दोस्तों कि आप भी हम में से एक है और आपकी भी वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद आपकी साइट भी गूगल न्यूज में जल्द से जल्द अप्रूव हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से हेल्प करें। इन बिटवीन जब तक हमारा सेकंड वीडियो आता है तब तक आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ये चैनल फ्रिक्वेंटली विजिट करूंगा और आप हो सके तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।